उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है खादी हाट के शुभारंभ की जगह पे। दरअसल देहरादून के राजपुर रोड यानी कि मेन लोकेशन पे महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह खुल गई है, एक ऐसा हाट, एक ऐसा बहुउद्देशीय बाजार खुल गया है जहाँ पे उन्हें जगह दी गई है, उनके प्रोडक्ट्स को जगह दी गई है। और आज वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, कृषि मंत्री सब ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया इस जगह पर। तो आप लोग भी आए और हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ कि क्या कुछ खास है आप लोगों के लिए इस बाज़ार में। खादी हाट की संचालिका कविता चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। कविता जी प्लीज़ बताइए कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या कुछ खास है यहाँ महिलाओं के लिए। सब सर्वप्रथम मैं आपकी आभारी हूँ और जिन्होंने मुझे ये एक मंच दे दिया अपने अपनी अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए। उसके बाद मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रदेश के बैम्बू विभाग के लिए, रेशम फेडरेशन के लिए और टी बोट के लिए और ग्राम्यश्री के लिए, वाटरशेड मैनेजमेंट, जिन्होंने मेरे प्रपोज़ल को, मेरे अनुरोध को स्वीकारा। और ये जो मुहिम हम लोग ने अभी यहाँ से राजपुर रोड से शुरू की है, ये मुहिम हम लोग आगे तक नेशनली नहीं वरन इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। अब इसमें रही बात महिलाओं की, इसमें ज़्यादातर उत्पाद एक तो जैविक हैं, ऑर्गेनिक हैं, पर्यावरण बचाव के लिए हैं और महिलाओं द्वारा बनाए हुए हैं, या तो मशीनों से और या फिर हैंडक्राफ्टेड हैं किसानों के द्वारा। हमारे जो उत्तराखंड के किसान हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है ग्रामीश्री के द्वारा, उत्तराखंड नेचुरल के द्वारा, जिसमें कि सारे उत्पाद उत्तराखंड के जो फार्मर्स के बनाए हुए हैं और उनके परिवारों के बनाए हुए हैं, जो उनके परिवारों ने हैंडीक्राफ्ट बनाए हैं। और हम लोगों के द्वारा जो महिलाओं को प्रोत्साहन देने की ये मुहिम मैंने चलाई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाज़ार ज़रूर चलेगा और कामयाब होगा और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगा। और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं को निरंतर अवसर मिलेंगे कि वो अपनी कलाओं को उजागर कर सकें और उसको एक ग्लोबल लेवल पे ले जा सकें। प्रोडक्ट्स में क्या क्या है मैम यहाँ? प्रोडक्ट में आप सबसे पहले तो बैम्बू बोर्ड से शुरुआत करें, तो हर तरह का बैम्बू का फर्नीचर, हमारे मंत्री जो हरक सिंह रावत जी आए थे अभी, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी किया, अभी घोषणा भी की कि सभी विभागों में, सभी ऑफिसेज में बैम्बू के फर्नीचर होना चाहिए और बैम्बू के उत्पादों का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए कि जो हैंडीक्राफ्टेड बैम्बू ज्वेलरी का मैं एक स्कोप देख रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम लोगों की ये मुहिम है, अभी हमारी कोशिश चल रही है कि हम NID जैसे इंस्टीट्यूशन से डिज़ाइनर बुला के और हाई क्वालिटी जो हम लोग के प्रोडक्ट हों वो हाई क्वालिटी हों। तो आप बैम्बू से शुरुआत करिए, तो बैम्बू ज्वेलरी में अभी हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं और उसको इंटरनेशनल, बैम्बू के प्रोडक्ट्स को ही इंटरनेशनल लेवल मार्केट देना है। दूसरा फिर आप चले, आप सैरी सिल्क में आ जाइए, रेशम फेडरेशन में आइए। देखिए यहाँ का ये उत्पाद है, यहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहा है और उनके उत्पाद इतने खूबसूरत हैं, लेकिन उनको भी एक ये मार्केट की एक ज़रूरत हमेशा रहती है, ज़रूरत मिली। और एक ये जगह राजपुर रोड देहरादून की एक ऐसी है जी, जो कि हर टूरिस्ट को कनेक्ट करती है, हर आदमी देहरादून जो आता है, उत्तराखंड आता है, मसूरी ज़रूर जाता है, तो यहाँ रुकेगा। तो निश्चित तौर पे हम, मैं समझती हूँ कि मतलब खादी को ही नहीं बल्कि रेशम विभाग को, ग्राम्यश्री को, बैम्बू बोट को, टी बोट को, हम सभी लोग मिल के इसको उन टूरिस्ट तक पहुँचाएँगे जो मेरे ख्याल से, मतलब मुझे ऐसा सोचती हूँ कि जो पहले जिनका
रीच नहीं होती थी, तो इस जगह पे आने का बस ये एक लाभ है। और मैं धन्य डिपार्टमेंट्स का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये स्वीकारा और हम लोग सब एक साथ एक छत के नीचे आए। थैंक यू सो मच। आपकी शुरुआत के लिए उत्तराखंड की नौनी और इंस्पिरेशन पीआरएन इवेंट्स की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत नलिनी जी, थैंक यू सो मच। और आपने हम लोगों का बहुत सहयोग किया है और निरंतर हम लोग एक एसोसिएशन बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। खादी हाट में रेशम की साड़ी भी पहुंची है जो कि उत्तराखंड में पहली बार आई है, तो भैया क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम गोपाल खत्री है। अच्छा, तो ये क्या कैसे तैयार करी है? एक्चुअली मैम ये मलबरी हॉटन सिल्क में है ना मैम ये साड़ी। अच्छा। तो मैम हमारे उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम आई है, पहली बार आई है। तो मैम हमारा जो सिल्क का जो धागा होता है हमारा बेसिकली उत्तराखंड से होता है, और इसका जो स्पेशल जो हमारे जो स्पेशल जो कारीगर होते हैं वो बनारस से होते हैं मैम। अच्छा अच्छा। तो इससे पहले जो है ये हमारे पास रेशम की साड़ी और इस तरह की नहीं थी? जी नहीं मैम, एक्चुअली मैम ये मार्केट में अभी तक आई नहीं है मैम। ये हमारी जो सरकार जो दे रही गवर्नमेंट वो 7,350 रुपये में दे रही है। अगर हम किसी शोरूम से फैब्रिक से मार्केट से ले तो कम से कम 20,000-25,000 की साड़ी मैम ये 7,000-7,500। अच्छा, मतलब कि जो आपको किसी शोरूम में 20,000-25,000 में मिलेगी वो आपको यहाँ 7,000-8,000 में मिल रही है। तो आइए और इस बाज़ार का आनंद लीजिए, खरीदारी करिए।